कि आज भी सब ठीक होंगे। आज हम कल हमने पढ़ा था कक्षा 3 की हिंदी का हिमालय पाठ पढ़ा था, पहला पाठ था। उसके शब्दार्थ और कठिन शब्द कल लिखवा दिए थे मैंने। आज अपन प्रश्नोत्तर करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर। अब प्रश्नोत्तर में देखो मैंने लिखे मौखिक प्रश्न। ये जो बोर्ड पर उतारे हैं वो आपकी अभ्यास पुस्तिका में आपको उतारने हैं। किसे उतारने? जो ग्रह कार्य की कॉपी बनाओगे उसमें ये अच्छे अक्षरों में उतारने हैं। पहले शब्दार्थ और कठिन शब्द के लिए पाठ का नाम, कौन सा पाठ है, उसका नंबर, दिनांक वगैरह सारा लिख कर, और फिर कठिन शब्द और शब्दार्थ जो कल लिखवाए थे वो भी कॉपी में उतारने हैं। उसके बाद ये मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न में जो प्रश्न मैंने बोर्ड पर उतारा जो आपको कह रही हूँ वो आपको उस कॉपी में कर देंगे। बाकी आपको बुक में ही अभ्यास कार्य में ही आपको उसको फिल करना है। जो भी हो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी, पर एक बार इसको समझ लें। अब इस कविता में किसके बारे में बताया जा रहा है? कल हमने कविता पढ़ी है और इसका जो उदाहरण है और जो भी उसका अर्थ था वो भी आपको कल समझा दिया था। इसके अलावा आपने भी पढ़ी है घर पे तो आपको भी समझ में आ गया होगा, इसके प्रश्न उत्तर भी आपको आ जाएंगे आशा है कि। तो इस कविता में किसके बारे में बताया गया था? तो कविता में किसके बारे में बताया गया था? हिमालय के बारे में बताया गया था। हिमालय के बारे में बताया गया था ना, बर्फ पिघल कर किसे खुश करती है, तो इसकी बर्फ पिघल कर हर्षित करती गांव में था ना, तो किसको खुश करती है? तो गांव के लोगों को खुश करती है। ये दोनों प्रश्न उत्तर दोनों आपको किसमें उतारने हैं? आपकी अभ्यास पुस्तिका में ग्रह कार्य की कॉपी में उतारने हैं। इस प्रकार आपके लिखित प्रश्न आपकी जो बुक है उसमें लिखित प्रश्न है। लिखित प्रश्न पहला क है, हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तो इसके बाद पिघल कर नदी का उदाहरण करती है, बताया था आपको मैंने। तो हिमालय से गंगा, यमुना, रावी, सतलुज, झेलम, व्यास, चिनाब आदि नदियां निकलती है। कौन कौन सी नदियां निकलती है? गंगा, यमुना, रावी, सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब ये सारी नदियां निकलती थी। सारी नदियों के नाम लिख रहे हैं। कौन हिमालय की महिमा गाते हैं? पंछी गाते गान, वन पवन, वो सब बताया था आपको। तो वन पवन और पंछी हिमालय की महिमा गाते हैं, ये इसका उत्तर है। अब तीसरा नंबर का है, कवि गर्मी के दिनों में ही हिमालय के दर्शन करने के लिए क्यों कह रहा है? तो आपको भी पता होगा कि गर्मी के ठंड के दिनों में हिमालय जाएंगे तो वहां बर्फ रहती है तो ज्यादा ठंड होती है, और हिमालय में अगर ठंड के दिनों में जाएंगे ठंड के दिनों में स्कूल भी रहती है, और गर्मी के टाइम पर क्या होता है आपके स्कूल की छुट्टियां भी होती है और गर्मी रहती तो वहां भी जाएंगे तो ठंडक ये ठंड महसूस होगी तो अच्छा अनुभव होगा। तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कभी गर्मी के दिनों में ही हिमालय के दर्शन करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां तथा गर्मी के दिनों में ही ठंडे स्थानों की यात्रा करने का आनंद ही अलग रहता है, आनंद आता है। तो इस कारण से कवि है वो गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाने का कह रहे हैं? हिमालय के दर्शन करने हो तो आपको गर्मी की छुट्टियों में ही जाना पड़ेगा क्योंकि ठंड के दिनों में जाएंगे तो आपको एक तो स्कूल बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है तो स्कूल की छुट्टियां भी नहीं ले सकते, और ठंड के दिनों में जाएंगे वहाँ पे तो बर्फ ज्यादा गिरती है, भूस्खलन होता है, इसलिए गर्मी के दिनों में ही वहां जाए। इसके अलावा आपके और प्रश्न उत्तर है, देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है, लिखित का तीसरा प्रश्न है, पंक्तियां पूरी करने का, कविता की पंक्तियां पूरी करने का, और इसमें क्या क्या है? वन वन के आगे क्या क्या लिखना है? वन पवन इसकी महिमा गाते, पंछी गाते गान, इसकी जल धाराओं से ही पूजा करता धान। यह धान शब्द लिखा है और वन शब्द लिखा है, तो उसके बीच में जो रिक्त स्थान है, जो पंक्तियां बीच में रह गई है, वो आपको पुस्तक में ही फिल करनी है, उसको पुस्तक में ही भरना है, आपको पुस्तक में ही लिखना है। अब चौथा प्रश्न है, इसका सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना, टिक लगाना। तो भारत के ऊपर हिमालय का क्या रहता है? भारत के ऊपर हिमालय का मैंने कल बताया था माथा, सर माथा है तो माथे में टिक लगाना है। गाना कौन गाते हैं? तो पंछी गाते हैं, मोर और कोयल दोनों पंछी में ही आते हैं तो पंछी है वो सही उत्तर है। हिमालय की जल धाराओं से उपजा करता गेहूं, चाय और धान, कौन सा सही रहेगा? धान। अब जीवन मूल्य से संबंधित है, भारत हिमालय को भारत की उत्तर दिशा का रक्षक कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? मैंने कल बताया था कि उत्तर में हिमालय है, तो हिमालय है उसकी बहुत बड़ी बड़ी चोटियां हैं,
बर्फ भी है, तो वहां से इधर की तरफ आना और इधर से उधर की तरफ जाना बहुत मुश्किल काम रहता, क्योंकि चढ़ाई रहती है, बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, बहुत ऊंची चढ़ाई है, तो कोई भी आसानी से इस पहाड़ी से उधर की तरफ नहीं जा सकता और उधर से इधर नहीं आ सकता, इसलिए इसको क्या कहा गया है, रक्षक कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत का रक्षक कहा गया है, क्योंकि हिमालय की चोटियां बहुत ही ऊंची है और ऊंची होने के कारण ना तो दूसरे देशों से इधर आसानी से आया जा सकता है और ना ही इधर से कोई उधर जा सकता है, तो इसलिए हमारा रक्षक कहा गया इसको। अब भाषा से संबंधित प्रश्न में क्या है, दिए गए संयुक्त व्यंजन से दो शब्द लिखिए। अब संयुक्त व्यंजन लिखे हैं, एक है प्य, प आधा और य, इससे क्या बना, प्यार बना। तो प्यार के जैसे कौन कौन से शब्द और अपन लिख सकते हैं और बना सकते हैं, अपन प्याज, प्याज भी बना सकते हैं, प्याला भी बना सकते हैं, बना सकते हैं प्यार, प्याज, प्याज, प्यार, प्याला, प्याऊ, ये शब्द बना सकते हैं। अब व्य, व आधा और य, उससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, एक तो व्यास है, व्यापार है, व्यर्थ है, व्यय है, ये शब्द इससे बनते हैं। न आधा और य, न्य से कौन से शब्द बनते हैं, और अन्य, न्याय, न्यारा, ये शब्द न आधे से और य से बनते हैं। अब इसके आगे है कविता में से अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को ढूंढना ढूंढना है। अब अनुनासिक शब्द और ये अनुस्वार शब्द कौन कौन से, अम की बिंदी रहती है, जैसे आप व्याकरण में पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, नहीं तो व्याकरण में इसको पढ़ लेंगे। अनुस्वार का मतलब होता है एक बिंदी, जैसे अम बोलते हैं तो वो अनुस्वार कहलाता है, और जिसके ऊपर चंद्र बिंदी रहती है, चंद्र बिंदी, उसको अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। तो अनुस्वार में ऊपर एक ही बिंदी बिंदी ही रहती है और कुछ चंद्रमा जैसा नहीं रहता है, तो वो ये अनुस्वार कहलाते हैं। तो अनुस्वार में कौन कौन से, लंबा, पंछी, सुंदर, ये शब्द है वह अनुस्वार में आ गए, और बाहें, ऊंचा, गांव, ये शब्द किस में आ गए, अनुनासिक में आ गए। अब तीसरा प्रश्न इसमें है, दिए गए शब्दों को इसमें दिए गए शब्द हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पंछी है तो पंछी कहाँ पे उड़ते हैं, पंछी आकाश में उड़ते हैं, या पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, या पक्षी करते गान, ऐसा भी लिख सकते हैं। दर्शन तो मंदिर में भगवान के दर्शन कर दे जाते हैं। भारत है तो भारत हमारा देश है, या भारत हमारे देश का नाम भारत है, ऐसा भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। सुंदर है तो क्या लिख सकते हैं, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। आइए समझ में। इसके अलावा क्रियाकलाप संबंधित जो प्रश्न उत्तर है, ये भाषा से संबंधित प्रश्न आपको अभ्यास पुस्तिका में किताब में ही करने हैं। इसके अलावा क्रियाकलाप संबंधी प्रश्न है इसके आपके कविता में आए नदियों के नाम वर्ग पहले में से ढूंढकर लिखने हैं। अब यहाँ पे एक व्यास के ऊपर तो आपको कॉलम बना के रेड लाइन से दे रखा है, व्यास के अलावा कौन सी है, तो झेलम है, चीनाब है, और कौन कौन सी है, रावी है, यमुना है, सतलज है, गंगा है, तो इन सब पे सर्कल बना के रेड लाल शह से पेंसिल से चारों तरफ गोल घुमा के फिर इसमें आपको लिखने हैं। हिमालय की चोटी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, हिमालय, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, कल मैंने बताया था कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट बताया था आपको, तो माउंट एवरेस्ट पर पहला व्यक्ति कौन चढ़ा था, तो उसके बारे में बताना है। ये आप सबको PDF मिल जाएगी, फिर भी आप एक बार इसको ट्राई करना, इसको पुस्तक में ही करना है, कॉपी में नहीं उतारना, इसको सबको आपको बुक में ही करना है, और एक बार आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो PDF की हेल्प ले सकते हैं आप। अब इसके आगे भारत की कुछ अन्य पर्वत चोटी के नाम लिखिए, तो मैंने कल आपको थोड़ी सी बता भी दी थी, और भी आप ढूंढना, नहीं तो PDF में आपको मिल जाएगी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना गर्व की बात है, एवरेस्ट की यात्रा करने वाले तीन भारतीयों के नाम बताइए, तीन भारतीय कौन कौन से थे, तो वो आपको नाम बताने हैं, कौन कौन से थे। अच्छा, पहला तो कौन सा था, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, पहला व्यक्ति कौन था हिमालय की माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला, कौन सा था, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। और भारत की सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी है, तो कल भी बताया था, आज मैं फिर से बता देती, एक तो अरावली पर्वतमाला अपने यहाँ पर राजस्थान में है, विंध्याचल है, ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कंचनजंगा मैंने आपको बताया था,
शिवालिक की पहाड़ियाँ होती है, नाग पहाड़ियाँ होती हैं, अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, तो ये सब पहाड़ियों के नाम हैं। अब इस ये आपको सबको ये सब सारा करना है, और जो भी समझ में नहीं आया तो पीडीएफ का सहारा ले लेना। धन्यवाद, कल मिलेंगे, पार्ट्स दूसरा अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।